सभी को भाई जय हिंद जय भारत। कैसे आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो सेक्शन है ना वो हमारा किस पर बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा बताओ? आज का जो हमारा सेक्शन है ना साइंस पर। साइंस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एफकेट के एग्जामिनेशन में वो मैं आपको कराने वाला हूँ। सभी को वेलकम, जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी फीमर, ये आपकी थाई में होती है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। ओके, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। जो स्टेपीज होती है ये आपका ईयर में होती है और ये आपकी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, आपका ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। अच्छा, ये जो शोल्डर बोन है ना इसको हम स्माइलिंग बोन्स भी बोलते हैं। जब भी आप कोई हंसता तो ये इस तरीके से हिलती है ना, तो ये आपकी स्माइलिंग बोन्स बोलते हैं, इसको भी बोला जाता है। ठीक है, प्लांट सेल, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, देखो मेजर होती है, एक तो आपका एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, और आपका प्लांट सेल। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो स्टडी फॉर ऑफ सेल है। ओके, स्टडी ऑफ सेल, तो सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवरी करी थी। ठीक है, सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। फिर आगे चलकर 1674 में आपका ल्यूवन, ठीक है, ल्यूवन हॉक ने, ठीक है, आपका फर्स्ट लिविंग सेल, प्रथम सजीव कोशिका, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर 1830 में जाके आपका रडोल्फ विरचॉव ने आपका डिस्कवरी किसकी करी थी? रडोल्फ विरचॉव ने डिस्कवरी करी थी आपकी न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलकर मथायस शिल्डन ये जर्मन के थे, आपका मथायस शिल्डन, और उसके बाद आपका एक थे शॉन, इन्होंने आपका 1838 में प्लांट सेल और एनिमल सेल इसकी डिस्कवरी करी। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो आपका किससे बनी होती है? वो आपका सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक टाइप का आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज एक प्रकार का आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट को हम पचा नहीं सकते, इसी वजह से हम घास फूस नहीं खा सकते। जो आपके मवेशी हैं, ओके, जो आपके मवेशी हैं यानी जो जानवर होता है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुक्रोफ्रक्टोज फलों में, ठीक है, फलों में और हनी में जो मिठास होती है, मीठापन होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोन नहीं बोलेंगे उसे, जो है मतलब जबड़े की मांसपेशियां सबसे ज़्यादा ताकतवर बोली जाती है, ताकतवर मतलब ताकतवर पेशियां होती है। ओके, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है फोर्स, वो वाली चीज़ है। ओके, व्हाट इज़ दी कॉल्ड, व्हाट फंजाई स्टडी को किस नाम से बुलाया जाता है? ओके, आंसर दो, यशवंत, सूरज, शोएब, अजीम, सरोज, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सिंपल पूछा गया है, साइटोलॉजी तो सेल की हो गई स्टडी। ठीक है, न्यूरोलॉजी आपका नर्वस सिस्टम। ओके, और मायोलॉजी आपका मसल्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बचा? आपका मायोलॉजी।
ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यानी ह्यूमन किडनी में आपका नाखून हो या किडनी हो, ठीक है, उसमें जो आपका किडनी स्टोन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये कैल्शियम फॉस्फेट है ना, इसको हम बोलते हैं एनेमल, और ये जो एनेमल होता है ये बेटा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलो अगला क्वेश्चन, अस्थि और पेशियों को कौन जोड़ता है, ओ वाह, ओके, टेंडन लिगामेंट कार्टिलेज, ओके, तो बताओ टेंडन लिगामेंट कार्टिलेज, टेंडन, ओके, बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर है, टेंडन क्या करता है, ये एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है और टेंडन जो होता है आपका मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, टेंडन जो है वो आपका मसल, ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका मसल्स टू बोन आपका टेंडन, लिगामेंट बोन टू बोन, कार्टिलेज मसल टू मसल्स, ठीक है, बोन मैरो हड्डियों के अंदर पल्प होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अनुराग ठाकुर, यशवंत, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर, छू कर मेरे मन को, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो 10% ही डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो केवल 10% डाइजेशन होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस। देखो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ठीक है, ये आपके इधर छोटी आंत है, इसे को आप छोटी आंत के भी भाग होते हैं, इलियम डुओडेनम जेजुनम, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टोमक है, स्टोमक, और ये आपका माउथ है। देखो डाइजेशन प्रोसेस हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है, माउथ में आपका क्या होता है, आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, ये टाइलिन हमारे माउथ में, ठीक है, ये जो टाइलिन होता है ये हमारे माउथ में डाइजेशन करता है, किसका, ये टाइलिन डाइजेशन करता है आपका स्टार्च का, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो डाइजेशन हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन, आप रोटी का एक टुकड़ा लो और उसे चबाते रहो तो आपको मीठा लगने लगेगा, ठीक है भाई, सेशन को आप लोग लाइक करते हो सभी लोग, अगर ऐसा रहा ना तो सीरियसली मेरे को कहा जा रहा है कि आप अग्निवीर की क्लासेस लीजिए, एफकेट में तो स्टूडेंट पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरे को अग्निवीर की क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लोग चाहते हो ना एग्जाम तक करें कराऊं क्लास, तो इसको शेयर वगैरह करा करो ना, थोड़ा यहाँ पे एटलीस्ट 20 स्टूडेंट भी नहीं हो पाते, मेरे भी तो समस्या समझे। अच्छा, स्टमक में आपका प्रोटीन और आपका फैट का डाइजेशन होता है, स्टमक में आपका प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, यहाँ पर लीवर होता है और यहाँ पर आपका पेनक्रियास होता है, यहाँ से लीवर से और पेनक्रियास से,
आपका ना डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, और फिर छोटी आंत में आपका 90% डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, ठीक है, और CH2O यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आपका फैट का भी डाइजेशन होता है। तो इस वजह से जितना भी डाइजेशन है वो आपका किस में होता है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में, मार्क कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसमें फिर एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो अभी अभी आपको मैंने बताया क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन, मतलब जो है ना, आप रोटी खाओ, रोटी को चबाते रहो, बाद में मीठी लगने लगेगी, क्योंकि रोटी में क्या होता है आपका माल्टोज होता है, ठीक है, माल्टोज। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो इसका आंसर होगा टाइलिन, अभी आपको मैंने बताया। अमाइलेज हमारे स्मॉल, टाइलिन और अमाइलेज दोनों सेम ही होते हैं, बस टाइलिन आपका स्टार्च का डाइजेशन करता है, अमाइलेज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का, ये पेट में करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। ओके, हमारे पेट में एक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, स्टडी ऑफ स्टमक, उसको गैस्ट्रिकलॉजी बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस, इसको हिंदी में जठर रस बोलते हैं, इसमें आपका HCl होता है, इसमें आपका पेप्सिन जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसमें आपका ट्रिप्सिन जो आपका फैट का डाइजेशन करता है, और इसमें आपका होता है रेनिन जो आपका दूध में प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है। ये HCl का pH वैल्यू 1 से आपका 1.5 यानी हाईली एसिडिक होता है। जब कई लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं ना तो उन्हें वॉमिटिंग आती है, ठीक है, तो वो उसका रीज़न ये है कि पेट में आपका तेजाब ज़्यादा बन जाता है, बॉडी रख नहीं पाती उसको फिर वापस, क्योंकि विस्की लो या बियर लो होते तो ये भी एसिडिक ही है, या आप ज़्यादा खट्टी चीज़ खा लें या खट्टा दूध पी लें तो पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तब हमें एंटासिड लेना होता है। टीवी रिमोट, कल मैंने बताया था टीवी रिमोट किस पे काम करता है, लेट्स सी। अच्छा, कल आपकी क्लास इस समय नहीं हो पाएगी क्योंकि कल आप भी रिपब्लिक डे परेड देख रहे होंगे, मैं भी, तो दोपहर में हम क्लास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग वानी, तो ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड वेव्स को हम टीवी रिमोट, यानी ये जो मैं स्विचर है मेरे पास, इससे ये मैं, तो ये इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू हो रहा है। अच्छा, इंफ्रारेड वेव्स जो दिए सॉरी, इनका जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, विलियम हर्शल ने करी थी, ठीक है, नाइट विजन डिवाइसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, नाइट विजन डिवाइसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, माइक्रोवेव्स जो है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, हेनरिच हर्ट्ज़ ने करी थी। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वायरलेस है, या आपका सेटे लाइट कम्युनिकेशन, ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव्स के थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है आपका, माइक्रोवेव्स के थ्रू। ये तो आपको कल मैंने कराया ही था, फटाफट आंसर दो। और यहाँ पर हाँ, ओके, गुलदाना, अरे गुलदाना आपको बांटना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमेशा मिलेगा, इस देश को देने की उम्र में आ चुके हो आप। कल प्रधानमंत्री जी की मैं एक बात पढ़ रहा था, आप लोगों का जो जनरेशन है ना उसे जेन जी जनरेशन बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जेन जी जनरेशन नहीं, ये अमृत पीढ़ी है, आने वाले 25 साल भारत को वर्ल्ड लेवल पर जो हम सब लाएंगे वो आप लोग, हम सब मिलकर लाएंगे, तो इस चीज़ पर आप लोगों को बहुत ही अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो अब आपको लेना नहीं है, देने का है, ओके। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन दे रहे हो, अरे
मिस्टर शोएब। और विटामिन देखो दो ही आपके ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है ये बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? ओके ओके, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी का डिजीज होता है ना, कल एक चीज लिखवाई थी, स्कर्वी घाव नहीं भरते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है स्कर्वी, घाव नहीं भरते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है। चूने का रासायनिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये है, और ये जो है ना आपका COH, ये बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, जो ऊपर ये छत पे वाइट कलर होता है ना, वो बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन, एडवर्ड जेनर को ध्यान रखिएगा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी 1798 में, तो इन्होंने वैक्सीन किसकी बनाई थी? ओके, तो इन्होंने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। अब मैं यहाँ पर आपको बाकी भी लिखा देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस, इसकी जो वैक्सीन है 1920 में, इसकी वैक्सीन को बोला जाता है BCG। ओके, तो इसकी जो वैक्सीन है उसको बैसिलस क्लेमेटे, क्योंकि इसको बनाने वाले का एक व्यक्ति का नाम क्लेमेटे था, और ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन। पोलियो की दो वैक्सीन बनी है 1960 में 1965 में, 1960 में जॉनस लाक, ठीक है, जॉनस लाक ने आपका सबसे पहले वैक्सीन बनाई, और इन्होंने ओरल दो बूंद जिंदगी की जो आप लोगों ने पी होगी, रेबीज और टिटनस, ठीक है, रेबीज और टिटनस, ये आपका 1830 में लुइस पाश्चर ने बनाई थी, लुइस पाश्चर। तो इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप पूछा भी जाए तो आप लोगों को ध्यान हो, इसलिए मैं हर ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, शुद्ध पानी की तुलना में समुद्र के पानी में क्या होगा? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई पानी का जहाज है वो नदी से सी में आ रहा है या सी से नदी में आ रहा है, तो क्या होगा? कम डूबेगा, थैंक यू यशवंत। ओके, बिल्कुल बिल्कुल कम डूबेगा क्योंकि सलाइनिटी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है, तो सिंक लेस। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी है कि अगर कोई पानी का जहाज रिवर से सी में जा रहा है तो वो उठ जाएगा, और सी से रिवर में जा रहा है तो वो बैठ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये एंथ्रासाइट जो है ना, ये सबसे बढ़िया टाइप का कोयला होता है, ठीक है, इसमें आपका 95% कार्बन होता है, ठीक है, 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइट, तो सबसे ज़्यादा हाइट लाइट यही होता है, और लिग्नाइट जो है वो सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। कौन सी मूल मात्रा है? ओके, मूल मात्रा का मतलब होता है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं होती। ओके, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो अगर आप देखें वॉल्यूम, तो मास इनटू एरिया, वेलोसिटी, ओके, मीटर पर सेकंड, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन टाइम, असली यूनिट तो टाइम ही है। ओके, टाइम, ठीक है, टाइम, समय, सेकंड, ये ही असली यूनिट है। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए, एज आई टोल्ड यू
दैट माइक्रोवेव्स, इनको यूज़ किया जाता है। इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये भी जो वर्क करता है वो भी किस पे करता है, आपका आपका माइक्रोवेव पर ही वर्क करता है। स्प्लिटिंग ऑफ कलर, यानी जो प्रकाश की तरंग सात अलग अलग रंगों में बट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। चलो ओके, ओवन में किसका यूज किया जाता है, तो ओवन का आपका माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। ओवन में किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव को ही यूज किया जाता है। गुड आफ्टरनून कामाक्षी। सन की एनर्जी, देखो एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्टर की मैं बात करूं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, और आपका सन हो या हाइड्रोजन बॉम्ब हो, सन हो या हाइड्रोजन बॉम्ब हो, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी हेनरी बैक्यूरल ने। ओके, हेनरी बैक्यूरल ने, ठीक है, हेनरी बैक्यूरल, और रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है उसको बैक्यूरल भी बोलते हैं और अनऑफिशियली मैडम क्यूरी की भी दी जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हेनरी बैक्यूरल ने ही आपका डिस्कवरी करी थी गामा रेज की, ठीक है, गामा रेज, गामा रेज को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हर्पेटोलॉजी, ओके, तो फिश की स्टडी को हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी, ठीक है, और इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी, ठीक है, और एम्फीबियस और रेप्टाइल्स की जो होती है उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। चलो, लाइट ईयर, तो जो रिटर था एक व्यक्ति, उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करा था कि लाइट जो है एक साल में, एक सेकंड में 299,976 किलोमीटर पर किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस बेसिस पे वैक्यूम में एक साल में जो लाइट ट्रेवल करेगी 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर्स या 10⁻¹⁵ का डिस्टेंस होता है, ये एक प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर हम इसको बोलते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट नहीं मानी जाती है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी मानी जाती है, वो होती है आपकी पारसेक। एक पारसेक जो होती है आपकी, ओके, वो आपका 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है, ठीक है, यानी आपका 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डिस्टेंस, ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, प्रकृति में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दी नेचर, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन अजीम, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया तो अर्थ और जितने भी प्लेनेट है सन में जाके मिल जाएंगे। इट इज ए आकर्षण बल, अट्रैक्टिंग फोर्स, मिलते नहीं है लेकिन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास, वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक्सरे, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन कैथोड रे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो सबसे पहले आपका गामा, गामा के बाद एक्सरे, फिर आपका इंफ्रा, नहीं फिर आपका आता यूवी रेस, ओके यूवी रे, फिर आपका लाइट आ जाती है यानी जिसके कारण आप देख पाते हो विजिबल रे लाइट, फिर आपका यूवी रेस, सॉरी नॉट यूवी, इंफ्रारेड आता है, यूवी तो ऊपर हो गया, आपका इंफ्रा रेड, फिर आपका माइक्रो एंड फिर आपका रेडियो। ध्यान रखो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम यूं नीचे जाएंगे तो इनकी जो है वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और जब यूं जाएंगे ऊपर तो इनकी फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज होगी, इनकी क्या इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी। सो इस बेसिस पे देखो तो आपका सबसे कम किसकी वेवलेंथ है, तो अगर देखें तो सबसे कम आपकी विजिबल लाइट की होगी, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ, इनकी तो ज्यादा होगी ना। ठीक है, अरे तो 8 है ये टोटल, 1 2 3 4 5 टोटल आपका 7 ये रखना है, इनके लिए भी ट्रिक याद रखने की जरूरत है। मैं ट्रिक वगैरह पे विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि ट्रिक ना एक छलावा है, जब काम आनी होती है ना कभी काम नहीं आती, बस ट्रिक के चक्कर में हम खुश खुश घूमते तो रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गई ना ये आपको बात, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। देखो भाई यहाँ पर गामा रेस, इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज्यादा होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, इस तरीके से। और ये रेडियो वेव ये कम्युनिकेशन है क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ओके सिंपल सी चीज़। एयर बबल फॉलिंग और रिस्पॉन्स ग्लिटरिंग, तो इसका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे ये है आप इधर देखो, ये आपका इधर दो मीडियम है, ठीक है, ऊपर वाला आपका डेंसर मीडियम है, ओके ऊपर वाला आपका डेंसर, ओके देखो जो आपका वो होता है क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हमेशा कैसे होता है कि जब आपका अगर डेंसर में होगा, ठीक है, तो आपका वो होता है, ये आपका इधर डेंसर मीडियम है और इधर आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो जब लाइट वेव एंटर करती है तो डेंसर मीडियम में क्या होता है वो, ओके सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर डेंसर होगा, ऊपर आपका डेंसर होगा, नीचे आपका रेयरर होगा, उल्टा लिख दिया था, ओके तो आपका क्या होता है, ये जब भी कोई लाइट वेव डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड ना बढ़ जाती है और वो अपने जो पाथ है ना उससे ना ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ओके तो नॉर्मल से आपका डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर ये जो डिफ्लेक्शन है मोर देन 90% हो जाए, यानी जिसको अगर यहाँ पर इसको मैं 90% इसे लूँ तो इस 90% वाले एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसे बोला जाता है। अगर ये 90% से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइट वेव है ना, ठीक है, जो लाइट वेव आई, ठीक है, वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगा, यहाँ पर भी आई आ जाएगा और यहाँ पर भी आई आ जाएगा, ये जो पोजीशन होती है इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सुषमा आपने सही बताया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीके के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कराने वाला हूँ आपके प्रैक्टिस बैच में,
आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी मेरे एफकेट के पुराने स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे एफकेट के पुराने स्टूडेंट हैं, आज उनकी क्लास 12 बजे लगने वाली है, ठीक है? तो आप सभी मिलिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको कराऊंगा या मिलिट्री जीके कराऊंगा आपको, ठीक है? तो सभी लोग, ओके, आप में से जो जो पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं ये बता रहा हूँ, ठीक? और बाकी आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ये दे दूं कि भाई डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक आप ज्वाइन कर सकते हो, 80% डिस्काउंट, ओके, 80% डिस्काउंट, अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है? Y191 कोड यूज़ करो, 80% डिस्काउंट, यानी जितने में आप एफकेट का एक बैच खरीदेंगे, मैं आज आपको ऐसा ऑफर दे रहा हूँ जिसमें आप एक साल तक हमारे सभी बैचेस, चाहे वो CDS हो, CAPF हो, NDA हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, एफकेट हो, XYZ, सभी बैचेस का एक्सेस रहेगा। अभी जैसे सुषमा यहाँ पढ़ रही है, इसको मैंने महापैक इसको लिया, इसने अब इसके पास एक्सेस है कि वो किसी भी बैच में जाके आराम से पढ़ सकती है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाएँ उसमें ऐसे एग्ज़ाम कैटेगरी में डिफेंस को सिलेक्ट करें और डिफेंस मेगा पैक यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये डिफेंस मेगा पैक आपको 2 साल और 1 साल दो कैटेगरी में मिलेगा, यानी 12 महीने का लोगे तो 2 साल के लिए मिलेगा और 6 महीने का लोगे तो 1 साल के लिए मिलेगा, ठीक है? तो आप 12 महीने या 6 महीने वाला कोई सा भी ले सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर, आपको कितने का मिल रहा है, ये 3200 रुपीज़ का मिल रहा है, व्यू ऑफर पर गए और यहाँ पर Y191 इस कोड को यूज़ करा और अप्लाई करा तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और 2976 यानी 3000 से कम रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप, वैसे ये तो 2 साल के लिए, अगर आपके कोई भाई है फाइनल ईयर में है या सेकंड ईयर में तो उसके काम आएगा, तो उसके लिए तो आप ये 2 साल वाला ले सकते हो। बाकी आप अपने लिए 1 साल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ना तैयारी करते रहो, इस साल इलेक्शन है और इस साल सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ऑलरेडी 2700 का पड़ रहा है, कोड यूज़ करोगे Y191, ठीक है, और इसको आप अप्लाई करोगे तो ये तो आपको ओनली 2500 रुपीज़ का 1 साल के लिए मिल जाएगा। देखो महापैक में आपको क्या बेनिफिट होता है, जितनी भी क्लासेस है हमारी, ओके, आपका ऑफिसर्स की, स्कोर बूस्टर, NDA, अग्निवीर, A to Z, सभी क्लासेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका एक्सेस होता है। फिर आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, सभी आपको टेस्ट सीरीज, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, सभी आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलती हैं। एंड आपका ई बुक्स, ठीक है, ये आपको ई बुक्स भी आपको इसमें मिलते हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो उसको आप यूटिलाइज करें, रिपब्लिक डे का इस 80% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास कल परेड के बाद होगी, ठीक है? क्लास जो होगी आपकी वो परेड के बाद होगी, ध्यान रखिएगा। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और बाकी ये जो, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना, तो इस नंबर पर जो ये नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल ज़रूर करें, आपको सारी इसमें जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू।